क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 8 में। अब देखो पहला खंड इसका है यक्स प्लस 7 का क्यूब माइनस यक्स माइनस 7 का क्यूब। तो दो घनों का अंतर लेना है, एक प्लस पे है और एक माइनस पे है। तो इसके लिए एक आप सामान्य फार्मूला लिख लीजिए, P प्लस क्यू का घन और P माइनस क्यू का घन। तो पहले लाइन में P प्लस क्यू का घन है और दूसरे में P माइनस क्यू का घन है। तो ये माइनस है तो इसमें देखो 3P स्क्वायर क्यू इसका चिन्ह बदलेगा और दूसरे और चौथे का चिन्ह बदलेगा, पद वही रहेंगे। अब समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दो तो P प्लस क्यू का घन माइनस P माइनस क्यू का घन। अब यहां पे देखो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ऊपर देखिए आपका कौन कौन सा पद जो है घटाने पे कैंसिल होगा। तो P क्यूब से कट जाएगा, जो बराबर है माइनस करने पे वो कैंसिल हो जाएगा और ये 3P इंटू क्यू स्क्वायर और 3P इंटू क्यू स्क्वायर ये भी कट जाएगा। तो माइनस करेंगे आप तो क्या होगा, इसका चिन्ह जो है वो प्लस हो गया और इसका चिन्ह भी जो है वो प्लस हो गया। तो अब ये हो गया 6 P स्क्वायर के साथ क्यू और दूसरा जो यहां पे है ये दोनों दूसरा माइनस था ये प्लस हो गया। तो डबल ऑफ क्यू का घात 3 है या क्यू पावर 3 है। अब इसमें पी और क्यू का वैल्यू रख दीजिए, पी का मान ले लीजिए एक्स और क्यू का मान ले लीजिए 7। तो आपका बायां पक्ष क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 7 पावर 3 या एक्स प्लस 7 का घन माइनस एक्स माइनस 7 का घन। अब इसमें सावधानी से पी और क्यू का वैल्यू प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो वैल्यू में 6P स्क्वायर के साथ क्यू, तो 6P की जगह एक्स है और क्यू की जगह 7 और 6 दूसरे पद में 2 के साथ क्यू का घन है। तो यहां पे क्यू की वैल्यू जो है वो 7 लिए हैं आप। तो अब देखो 6 × 7 ये हो जाएगा 42 किसके साथ, यक्स के वर्ग के साथ और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 686, यही इसका रिजल्ट होगा। दैट्स ऑल।